हेलो पेरेंट, आज हम करेंगे प्लूरल नाउन्स, रेगुलर नाउन वर्ब्स एड एस। अगर सिंगल बुक है तो हम बुक लिखेंगे, अगर एक या एक से ज़्यादा होती है तो हम वहाँ पर एस का यूज़ करते हैं। बुक बुक्स, बैग बैग्स, कार कार्स, फैन फैंस, बॉल बॉल्स, रूम रूम्स, कप कप्स, गर्ल गर्ल्स, मैप मैप्स, डॉग डॉग्स, कैट कैट्स, प्लांट प्लांट्स, एप्पल एप्पल्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, एनिमल एनिमल्स, टीचर टीचर्स, स्कूल स्कूल्स, हाउस हाउसेस, टेबल टेबल्स, चेयर चेयर्स, फिंगर फिंगर्स, पैरेट पैरेट्स, ब्रदर ब्रदर्स, काउ काउस, नेम नेम्स, आंट आंट्स। अगर कहीं पर डबल वोवल का यूज़ होता है, जैसे डबल ई डबल ओ आई ओ ओ ई, ये डबल वोवल्स अगर यूज़ होते हैं तो उसके साथ भी हम एस का यूज़ करते हैं, जैसे बी बीज, ट्री ट्रीज, जू जूज, रेडियो रेडियोज, वो वूज, वीडियो वीडियोज, कैंगारू कैंगारूज, बैम्बो बैम्बोज, कुकू कुकूज। एंड इन वोवल प्लस वाई, अगर वर्ड के लास्ट में वाई यूज़ हो रहा है और वाई से पहले कोई वोवल आता है तो आप जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो वहाँ एस का यूज़ करेंगे। डे डेज, की कीज, बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, रे रेज, गाय गाइज, ट्रे ट्रेज, वे वेज, डोंकी डोंकीज, मंकी मंकीज, स्टोरी स्टोरीज, वैली वैलीज, प्ले प्लेज। जैसे अभी हमने देखा था कि अगर किसी वर्ड के एंड में वाई यूज़ हो रहा हो पर उससे पहले कोई वोवल यूज़ होता है तो वहाँ हम एस का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा हो तो वहाँ हम आई ई एस का यूज़ करेंगे। वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो किसका यूज़ करेंगे, आई ई एस का। जैसे सिटी, टी हमारा यहाँ कॉन्सोनेंट है तो सिटी सिटीज़, बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, फ्लाई फ्लाइज, क्राई क्राइज। आपको यहाँ वाई हटाकर उसकी जगह आई ई एस लिखना है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे सभी वर्ड्स में मैंने यहाँ वाई हटा दिया है और यहाँ पर एस टी ओ आर, आर के बाद वाई था तो मैंने वाई हटा दिया, उसके बाद मैंने आई ई एस का यूज़ करा। आर्मी आर्मीज, बॉडी बॉडीज, डायरी डायरीज, फैमिली फैमिलीज, लाइब्रेरी लाइब्रेरीज, कंट्री कंट्रीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज। अगर आपके वर्ड्स के एंड में एस ओ सी एच ओ एस एच ओ डबल एस ओ एक्स ओ जेड ओ तो वहाँ हम ई एस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ई एस का। इनको याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक, जब आपके वर्ड के एंड में स या श का साउंड आता है तो वहाँ आप ई एस का यूज़ करें। जब ऑलरेडी आपके सिंगुलर में एस है तो आपको किसका यूज़ करना है, ई एस का यूज़ करना है। जैसे यहाँ बस बसेस, एस लास्ट में स का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा, एस एस, फॉक्स फॉक्सेस, बॉक्स बॉक्सेस, टैक्स टैक्सेस, फिक्स फिक्सेस, विश स या श का साउंड, विश विशेस, डिश डिशेस, बुश बुशेस, क्लास क्लासेस, ग्लास ग्लासेस, क्विज क्विज में भी जेड के साउंड में भी ज का साउंड आता है तो वहाँ पे भी आपको ई एस यूज़ करना है, क्विज क्विजेस, वॉच। अब यहाँ पर च का साउंड आ रहा है, बस इसको आपको याद रखना है कि सी एच के साथ भी आपको ई एस का यूज़ करना है, वॉच वॉचेस, बीच बीचेस, इंच इंचेस, बेंच बेंचेस, चर्च चर्चेस, लैच लैचेस, ब्रांच ब्रांचेस। एंड सीन एफ और एफ ई, जब वर्ड्स के एंड में एफ या एफ ई हो तो वहाँ पर हम वी ई एस का यूज़ करते हैं। अभी तक हमने ई एस आई ई एस का यूज़ करा, अब इस तरीके से हम वी ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है लीफ तो यहाँ आपको एफ को हटा के सेम लिखेंगे एल ई ए, एफ नहीं लिखेंगे, एफ की जगह आपको क्या लिखना है, वी ई एस लीव्स। इसी तरीके से वॉल्व तो यहाँ पर हम एफ नहीं लिखेंगे, एफ ओ एल लिखेंगे, एफ की जगह क्या लिखेंगे, वी ई एस वॉल्व। लाइफ लाइफ, नाइफ नाइफ, वाइफ वाइफ, थीफ थीफ, हाफ हाफ, कल्फ कल्फ, एल्फ एल्फ, शेल्फ शेल्फ, सेल्फ सेल्फ,
लॉफ लॉफ्स। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।